कंग्रेचुलेशंस ये वाला प्लॉट बाबू भैया के नाम, ये जो आप चेक कर रहे हो ये पूरा एरिया अपना है एंड थिंग इज इसपे हम लोग एक आलीशान सी कोठी बना सकते हैं। लैम्बो का सीन इज स्टिल अंडर प्रोसेस, चल रही है चीजें। मम्मी मैंने वो जमीन खरीद ली है फाइनली एंड वो खरीदी है आपके नाम की। सही, खुश? अब खुश हो क्या? आपके नाम की जमीन खरीद ली। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode. और आज इसके इस व्लॉग में मेरी माँ होने वाली है बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि आज मैंने आपको कुछ दिनों पहले वाले व्लॉग में एक पर्चा दिखाया था, वो मैंने पर्चा एक्चुअली व्लॉग में नहीं दिखाया था कि वो क्या चल रहा था, बट आज वो काम फाइनली कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपके लड़के ने आपके नाम की पहली जमीन ले ली है आपके नाम के। This was my dream, guys. बैठो मम्मी, आज का व्लॉग आप बहुत आज मेरी माँ ये व्लॉग बहुत संतुष्टि से सुनेगी। आज तक ना बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी, बाइक्स खरीदी, कार खरीदी, सुपर कार खरीदी, एक जमीन वाली खरीदी थी जिसमें पार्किंग, जिसमें घर बनाना था लेकिन पार्किंग बना दी। बट फिर यू नो मेरे घर वाले बहुत टाइम से लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ कर। सो हियर इज द बिग ड्रॉप, मम्मी मैंने वो जमीन खरीद ली है फाइनली एंड वो खरीदी है आपके नाम की। सही, खुश? अब खुश हो क्या? आपके नाम की जमीन खरीद ली। देहरादून में घर बनाना था तो फिर मैंने जमीन ले ली अपनी पहली कमाई की, पहली जमीन, और वो भी मम्मी के नाम पे। मैंने उस दिन इसलिए नहीं दिखाया वो व्लॉग में क्योंकि मेरे को ऐसा था कि यार थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट होने देता हूँ, जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही लाइक मैं आगे बताऊंगा। एंड आज हम लोग जा रहे हैं फाइनल पेमेंट के लिए, रजिस्ट्री के लिए, तो आज अग्रीमेंट होगा और रजिस्ट्री भी कुछ टाइम में होगी बिकॉज अभी छह महीने का नहीं लगते, वो थोड़ा टाइम में हो जाती है। क्या होती है कागज के पक्के पेपर बनते हैं ना। अरे वो नहीं होता मम्मी, शराब है ना अपने पास शराब है गाइस, सारे लीगल वकील अपने पास फुल लीगल डॉक्यूमेंट कराने के लिए। द थिंग इज गाइस अभी इलेक्शन चल रहे हैं उत्तराखंड में, जो इलेक्शन है वो 13 को है, तो आज रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा एंड फिर कुछ दिनों बाद रजिस्ट्री भी अपने नाम पर जाएगी। बट खुश हो ना मम्मी, आपके लिए ये पहली चीज करी है मैंने, कैसा लग रहा है आपको? आपके लड़के ने पहली जमीन लिया, अच्छा लग रहा है लड़के ने लिया। अच्छा लग रहा है लड़के ने लिया। पापा को बताया भी आपने? अभी नहीं बताया। शाम को जब डॉक्यूमेंट आ जाएगा ना तब वीडियो कॉल करके दिखाएंगे कि भाई तुम्हारे लड़के ने पहले घर की जमीन ले ली है। गाइस फिलहाल MK4 भी बॉम्बे पहुंच चुके हैं तो MK4 को भी लेने निकलना है, बट मैंने उससे पहले मैं सोचा कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट का काम करा लेता हूँ। तो द थिंग इज गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ डोयाला, शदाब लीगल डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचा हुआ है डोयाला, वो काम करवाना है, सारी चीजें ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। बट जस्ट वॉन्टेड टू शेयर अ स्मॉल न्यूज एंड गाइस मैं आप लोगों को लैम्बो का सीन भी बता देता हूँ। लैम्बो का सीन इज स्टिल अंडर प्रोसेस, चल रही है चीज़ें। आई होप आजकल के लिए बात हो रही है बट निकल जाए जल्दी, डॉक्यूमेंटेशन सारा जा रखा है। एक्चुअली होली की छुट्टियों के कारण और इलेक्शन के कारण थोड़ा सा टाइम डिले हो रहा है, बट अपन लोग डॉक्यूमेंटेशन वाइज पूरा क्लियर है तो निकल जाएगी। वो ट्रक की गलती थी, ट्रक के फॉल्ट के कारण अपनी गाड़ी भी लग गई, रोलिंग व्हील्स वाले भैया अपने चेन्नई जा ही रखे हैं डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए। सो आई होप फॉर द बेस्ट गाइज, जब तक हम लोग ये काम करा करके आए तब तक मैं आपको व्लॉग में अच्छी न्यूज़ बता दूँ कि हमारी लैम्बो छूट चुकी है। शीशा कितना गंदा हो रहा है, ये एक्चुअल गाइस धूल हो रखी है घर में। बट फिलहाल के लिए डोयाला निकलते हैं, इस जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, खुशी को दिन लेट्स गो। ओके गाइस निकल चुके थे हम लोग घर पे एंड आप इतने दिन बाद नीटू भाई और वीटू भाई को देख रहे होंगे, कहाँ थे आप दोनों आजकल? छुट्टी चल रही थी। छुट्टी? अच्छा अप्रूवल किसने दिया आपको? सतीश जी ने। मैंने एक्चुअली ना आजकल आप लोगों को पता है हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो उस कारणवश यू नो सिक्योरिटी को साथ ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा था, बट आप दोनों नहीं गए हमारे साथ, हमारी लैम्बो फंस गई। पता है आपको मैंने आपको बोला था गाड़ी में बैठ करके चले जाओ, लैम्बो नहीं फंसती, वो ड्राइवर इतना बेवकूफ इंसान, क्या ही बताऊं गाइस, बताऊंगा पूरी एक प्रॉपर वीडियो की हुआ क्या है, बट आई होप छूट जाए। बट अभी के लिए गाइस पहुंच चुके हम लोग डोयाला, शदाब इज ऑलरेडी हियर, जमीन के डॉक्यूमेंटेशन यही फाइनल होंगे एंड फिर इसके बाद मैं आपको अपनी जमीन भी दिखाने के लिए लेकर के जाऊंगा। फिलहाल अभी शदाब से मिलाते हैं गाइस, लेट्स गो। ओके बॉयज हम लोग आए थे तहसील एंड द थिंग इज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ब्रोसेना एंड थैंक यू सो मच साकेब भाई एंड थैंक यू सो मच शदाब भाई, इन्होंने हमारा काम कराया गाइस। तहसील लॉयर्स, जब आपके दोस्त लॉयर्स होते हैं तो आपके काम एकदम इंस्टेंटली हो जाते हैं। हो गई जमीन हमारी बिल्कुल भाई, रजिस्ट्री कब होगी हमारी? ऑलमोस्ट। फिलहाल के लिए गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर, मम्मी को भी डॉक्यूमेंट्स देने एंड जमीन में आप लोगों को दिखाता हूँ।
फटफट निकलते हैं। चलो थैंक यू सो मच भाई। ओके बॉयज, हम लोग लेकर के आ चुके अपनी जमीन के कागजात एंड मैं आपको अपनी जमीन दिखाने वाला हूँ जो हम लोगों ने खरीदी है। कहाँ गई वो? ये चेक करो गाइस, फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपनी जमीन देखने के लिए। एंड ये जो जमीन लिया मैंने बिल्कुल मेन हाईवे पे लिया, बिकॉज मेरे को जो अपना घर चाहिए था ना वो मेन हाईवे पे चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर लैम्बो नहीं आ सकती, लैम्बो तो वैसे भी नहीं आ सकती क्योंकि चेन्नई है लैम्बो भी, बट यहाँ पर हम लोग अपनी हाइलक्स लेकर के आ सकते हैं। चेक कराता हूँ गाइस मैं आपको, इतनी खुशी हो रही है बॉयज, इतनी खुशी। चेक कराते हैं आपको जमीन, लेट्स गो। ये रही गाइस ये वाला प्लॉट बाबू भैया के नाम, ये जो आप चेक कर रहे हो ये पूरा एरिया अपना है। एंड थिंग इज इस पे हम लोग एक आलीशान सी कोठी बना सकते हैं। सही एरिया है, बढ़िया मस्त। एक्चुअली इस पे ना दो साइड रोड भी है, चेक करो, एक उधर से रोड है और एक इधर से रोड है। सो यू नो एरिया भी बहुत सही है और हम लोग आराम से इस पे घर घुर सब बना सकते हैं गाइस। रियली हैप्पी फॉर दिस। सो बॉयज ये रही बाबू भैया की पहली अपनी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अपने घर वालों के नाम पर लिया। कांट टेल यू कितनी खुशी लग रही है। एक चीज मैं एडवाइस करने चाहूंगा ऑलमोस्ट 24-25 साल के लौंडों को, देखो ये वाली उम्र ऐसी होती है कि इस पे अपने सारे सपने पूरे करने होते हैं, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है अपनी फ्यूचर की जिंदगी के लिए, क्योंकि यही एक टाइम है जो आपका ना फ्यूचर स्टेबल करता है। सो जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, अगर 100 रुपये कमा रहे हो ना तो उसमें से 50 रुपये तो एटलीस्ट सेव करना सीखो ताकि फ्यूचर के लिए यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग। जमीन एक ऐसा चीज़ है जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे ना गाइज ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल ही होगा फ्यूचर में, बट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज, यू कैन इन्वेस्ट इन कार्स एंड बाइक्स टू, वो कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट ही होंगी गाइज, बट जमीन में इन्वेस्ट करोगे तो एक दिन इट विल अप्रिशिएट। एंड ये इन्वेस्टमेंट भी है, बोलते हैं ना जमीन हमेशा पैसा दे करके जाती है, बट मेरा ये प्लान घर के लिए गाइज, फाइनली वी हैव बॉट इट। घर चलते हैं, मम्मी को पेपर्स दिखाते हैं एंड उनकी खुशी चेक करते हैं। ओके बॉयज हम लोग जस्ट अभी घर ही पहुंचे थे एंड आज हमारे पास एक भाई है हमारे, इनकी गाड़ी चेक करें आप, मस्त एकदम डर्ट बाइक घुमा रहे थे हमारी गाड़ी के सामने आते आते बच्चे, बट भाई क्या मस्त है भाई, चला सकते हो भाई? मैं एक बार चुके हैं हम लोग घर। ये लो मेरी माँ मालकिन हो चुकी हो आप, सैंडी जुलू तुम्हारी माँ और बड़ी मालकिन बन चुकी है। कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जमीन। अमीर बन चुकी है मेरी माँ गाइस, अमीर। संभाल के रख दो इन पेपर्स को, धीरे धीरे करके सिस्टम हैंग करेंगे गाइस। फिलहाल के लिए पहुंच चुके घर गाइस, I still don't have any update for the Lambo. I'm still trying कि मिल जाए guys. थोड़ा परेशान हुआ पड़ा हूँ चीज़ों को लेकर के, बट आई होप गाइस चीज़ें ठीक हो जाएं। फिलहाल के लिए गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। शाम को भी हम लोगों को निकलना है गाइस MK4 के लिए, आज हम लोग बॉम्बे निकल जाएंगे MK4 लेने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।